गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदम। आज डेट है 13th of June और हम हैं लद्दाख में। तो हम निकले थे पुणे से लद्दाख राइड के लिए और आज है हमारा 7वां या 8वां दिन शायद, डोंट रियली रिमेंबर। सो अब तक हमने क्या किया है, हमने श्रीनगर से एंटर होके कारगिल, कारगिल में फिर हमने एक दो जगह एक्सप्लोर की, फिर पदम आए, बीच में पेंसिला पास पड़ा, जोजिला पास पड़ा और कल हम लोग गम्बक रोंजन गए थे और आज हम निकल रहे हैं लेह के लिए वाया लिंगशेड। अभी मिलते हैं आपसे बाइक पे। स्टे पे हम लोग रुके थे विजय कष्ट हाउस एंड जांस खास किचन रेस्टोरेंट, ऑसम फूड एंड ऑसम स्टे। पार्किंग वगैरह भी है आपकी यहाँ पे, देख सकते हो कई सारी बाइक खड़ी हैं और यहाँ से व्यू भी आपका 4 और 360 डिग्री माउंटेन से। अभी हम निकल रहे हैं पदम से और पदम से हम बढ़ रहे हैं, अभी शॉर्ट डिस्टेंस की बात करूँ तो जांसकार, जांगला और जांगला के बाद ओनिया, ओनिया के बाद हम बढ़ेंगे फिर लिंगशेड की ओर। ये देखो जांसकार के कुछ नज़ारे, यहाँ के घर, यहाँ के घर ना प्लेन सिंपल वाइट होते हैं और ऊपर इधर उधर थोड़े शेड्स होते हैं ऑरेंज कलर रेड कलर के, दूर से ना काफ़ी अच्छे दिखते हैं ये घर। तो ये है जांसकार वैली, देखो किधर भी नज़र घुमाऊंगा ना सब तरफ बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ हैं और नीचे देखो ये जो नीचे का पार्ट है ना पूरे घास लगे हुए हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड कम है, जबकि अदर साइड देखो या इधर साइड देखोगे ना तो बिल्कुल काले काले बिल्कुल नेकेड माउंटेन्स हैं बिकॉज उनका अल्टीट्यूड बहुत हाई है तो उसकी वजह से वहाँ पे घास वगैरह नहीं उठते हैं, ऑक्सीजन कम रहता है। तो जहाँ पेड़ रहेंगे वहाँ ऑक्सीजन आपको अच्छी मिलेगी, जहाँ पेड़ नहीं रहेंगे वहाँ ऑब्वियसली ऑक्सीजन आपको उतना बेटर नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड ऊपर जाता है वैसे वैसे पेड़ वगैरह कम होते जाते हैं, अगर आप नोटिस करोगे जब भी आप जाओगे कहीं। पर आपको नज़ारा दिखाता हूँ जांसकार वैली का, जहां भी देखोगे माउंटेन्स वाइट ब्लैक ब्राउन नीचे ग्रीनरी। ये अपनी बाइक। सो यार मतलब कितना भी डिस्टेंस कवर करो कहीं भी जाओ ना नज़ारे ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, मतलब यार खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही पहाड़ चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। क्या ही बोलूँ, मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन है ना कि हर जगह रुको एवलांच एरिया, ओके दिस इज एवलांच एरिया और अभी तो बर्फ है नहीं। अगर रोड की बात करूँ तो पदम से निकल के जो पहला 45 किलोमीटर था दैट इज क्वाइट स्मूथ रोड, आफ्टर 45 किलोमीटर दिस इज व्हाट यू सी। सो इट्स काइंड ऑफ माइल्ड ऑफ रोड, थोड़े बहुत छोटे छोटे गिट्टी हैं, मतलब ईजली यू कैन मैनेज आई थिंक 50-60 यू कैन मैनेज। द थिंग इज छोटे छोटे गिट्टी हैं, मिट्टी है, धूल वगैरह है, बाकी इतना भी बेकार रोड नहीं है अगर मुझसे पूछोगे तो, थोड़े माइल्ड ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड वगैरह नहीं है। और सीन तो आप देख ही रहो सीनरी कैसे बन रही है, बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ों पे मिट्टी के टीले और इधर लेफ्ट साइड को नीचे की ओर जांसकार रिवर बह रही है। ऐसे किसी लोकेशन पे हैं हम, इस आलू पराठा इज इन क्यू प्रोग्रेस। तो ये आगे काम वगैरह चल रहा है। ए भाई बड़े बड़े पत्थर है भाई, बड़े बड़े पत्थर भाई यहाँ पे। तो लॉन्डो मजा आ रहा है, हाउस द जॉर्ज। हाउस द जॉर्ज अमित। तो काफी मजा आ रहा है।
छोटे छोटे पतले पतले रास्ते। ओह मैन क्या रास्ता है। वाह। तो अभी हम ऐसी कुछ लोकेशन पर रुके हुए हैं जैसा कि देख सकते हो, बिल्कुल ये पहाड़ बिल्कुल नीचे की ओर है और ऐसे नज़ारे बहुत सारे पहाड़ों मिलते हैं, नेपाल में मिलते हैं मुस्तांग जाते समय और उत्तराखंड में मिलते हैं, बट जब भी ये नज़ारा दिखता है ना तब तब अच्छा लगता है, तब तब मन करता है रुके फ़ोटो खींचे। और ये रोड जो अभी हम जा रहे हैं काफ़ी डेंजरस है, पीछे काफ़ी डेंजरस था, JCB काम चल रहा था और बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे, उसको क्रॉस किया अभी हमने। तो आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते बाइक पे। पदम से ले वाले रास्ते पे आप जाऊँगा, आपको बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट दिखेंगे जहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको श्रद्धांजलि या रेस्पेक्ट दिया गया है उनसे। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो है शिव कुमार, जो आज तक अनट्रेसेबल हैं, तो उनके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। सो काफ़ी अच्छा है ये चीज़, लाइन से मिल रही है बहुत सारे सोल्जर्स के लिए। ये है जानकार रिवर और इसका बाइक फ्लो देखो यार, कितना ही तेज है यार, मतलब कितने सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं इस टाइम पे और ये सारे पानी जमा हो रहे हैं और जा रहे हैं आगे। आगे जाके ये मेरे ख्याल से कन्फ्लुएंस होगा जानस्कार का और सुरु रिवर का और सिंधु रिवर का और इंडस रिवर का। अभी मैं एक से लोकेशन पे खड़ा हूँ, पीछे वाले रास्ते से आप आओगे पदुम से और इस लोकेशन पे आओगे, मैं दिखा दूँगा आपको एक बार। से आप आओगे एक रास्ता इधर को जा रहा है और एक रास्ता सीधे जा रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्लियरली कौन सा किधर जा रहा है, लेक को जा रहा है या कौन लिंक स्टेट को जा रहा है, ये तो निराग को जा रहा है वो लिख रहा है सामने, ये देखो। और फिर आपको इधर ना इस पत्थर पे हल्का सा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक स्टेट, तो ये वाला जा रहा रास्ता है लेफ्ट टर्न लेना है, वो आपको ले जाएगा लिंक स्टेट होते हुए। बेसिकली क्या करना है, आप इस पीछे रास्ते से आओगे आपको रिवर के पैरेलल नहीं फ्लो करना है, रादर आपको रिवर के अगेंस्ट टर्न ले लेना है लिंक स्टेट की ओर। तो ये जो पदुम से ले का रास्ता है, इट्स मतलब 45 किलोमीटर बाद से तो ऑफ रोडिंग चल रहा है और अच्छा खासा ऑफ रोडिंग है, शुरू में थोड़ा माइल्ड था बट उसके बाद भाई अच्छा खासा ऑफ रोडिंग है। और ये रास्ते देख के भी मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ भी अपने को ऑफ रोडिंग पूरा मिलने वाला है, और जितना मैंने पूछा तो पता चला कि खालसी तक अपने को पूरा ऑफ रोडिंग मिलने वाला है। तो अगर आप शौकीन हो ना ऑफ रोडिंग के तो आप इस रूट से आ सकते हो, अदरवाइज कारगिल से आप चले जाओ या फिर ले मनाली हाईवे से चले जाओ, वो थोड़ा इजी रोड रहेगा। तो देख रहे हो कैसे रास्ते हैं, बिल्कुल पथरीले बट मज़ा आ रहा है, सच बोलूँ तो मज़ा आ रहा है और जब तक बाइक से चल रही है तब तक मज़ा आता रहेगा। ये है कुदरत का करिश्मा, ये देख रहे हो इधर पूरे फूल लगे हुए हैं मस्त, और जैसे ही मैं थोड़ा घूमता हूँ ये देखो पूरे बंजर पहाड़ चारों ओर, लेकिन खासियत यही है देखो पूरे फूल लगे हुए हैं भाई अच्छे खासे, और पीछे देखोगे ना पीछे पेड़ भी हैं, कुदरत का करिश्मा है लद्दाख में। तो ये फुल स्टीप चढ़ाई आ गई है और रास्ता तो देखो भाई फुल ऑफ रोड हो रहा है, फुल ऑफ रोड। नीचे गॉज है, भाई क्या ही नज़ारे हैं, जब से हमने वो लेफ्ट टर्न लिया उसके बाद से रास्ता मतलब क्या ही बताऊँ कैसे रास्ते हैं और कैसे टेरेन है वो भी क्या ही बताऊँ मैं, दिस इज खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग, क्या रास्ते हैं क्या रास्ते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते जाना है। क्या टेरेन है यार, ये किस गली आ गए हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा रोड,
गाड़ी खराब हो गई तो बैंड बच जाएगा। सामने पहाड़ देखो यार, बिल्कुल काले काले हैं। मान गया मैं, मान गया इस ऑफ रोडिंग सेक्शन को मैं मान गया भाई, खासकर जब हम मुड़े हैं 65 किलोमीटर के बाद। उसके बाद से तो भाई ये ऊपर की ओर जो चढ़ रहे हैं हम, ये इजी नहीं है भाई। पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, कहीं कहीं गड्ढे गड्ढे हैं, अगर उसमें बाइक गलती से घुस गई ना तो आप बिना हेल्प के निकाल नहीं पाओगे। और देख रहे हो मेरी गाड़ी फर्स्ट, भाई पावर ही नहीं आ रहा यार, पावर ही नहीं आ रहा, फर्स्ट गियर में ही चलना पड़ रहा है लगातार, सेकंड करते ही फिर फर्स्ट करना पड़ रहा है भाई साहब। वो अभी अभी खतरनाक ऑफ रोडिंग चल रही है पीछे, मैं आपको रास्ते पर दिखाता हूँ। अभी पता नहीं कौन से लोकेशन पे भाई लिंक स्ट्रेट की ओर जा रहा है, और ये ना पता नहीं कैसा ऑफ रोड सेक्शन है, मैं आपको रास्ते दिखाता हूँ अगर दिखे तो। एक सेकंड, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो सामने वाला रोड दिख रहा है ये, उसका देखो वो जो नीचे है एकदम नीचे सारा, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और ये आते 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 भाई इतने गड्ढे बने हुए ना, अगर आपकी बाइक फंस गई ना, मतलब गड्ढे मतलब लिटरली गड्ढे हैं बीच बीच में, रोड के बीच में गड्ढे हैं, और अगर आपकी बाइक फंस गई ना बिना हेल्प के नहीं निकल सकता, नॉट पॉसिबल। सो नज़ारा भी देखो कैसा हो रखा है भाई, बाइक मतलब फर्स्ट गियर में ही चल रही है, सेकंड गियर पे भाई फील ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है बाइक को, बाइक को पता ही नहीं कहाँ गया सारा पावर। आगे का व्यू दिखाता हूँ, देखो ऐसा कुछ व्यू है, लिंक शेड की ओर जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता यार इस रोड से बहुत लोग जाते हैं, मैक्सिमम लोग कारगिल से ले चले जाते हैं और मनाली ले हाईवे से जाते हैं। आई डोंट थिंक ये रोड उतना यूटिलाइज होता है, मुझे कोई नहीं दिख रहा भाई इस रोड पे। पिछले एटलीस्ट कितने किलोमीटर हम चल रहे हैं, लगभग 10-15 किलोमीटर चल रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं। और ऐसे ही रोड चल रहा है, देख रहा हूँ हम लोग बस ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही रोड चल रहा है बस। दुनिया में आकर सामने व्यू देखो भाई, ये सामने व्यू देखो भाई सामने। कल से ऑफ रोडिंग चालू है, कल से भी नहीं इवन परसों से, परसों थोड़ा सा कम था, कल पूरा ऑलमोस्ट 80% था, आज तो भी भाई साहब अलग लेवल पे है। सो फाइनली अब हमें नीचे उतरना है, और एक बोर्ड फाइनली दिखा, एक बहुत लास्ट में आके एक बोर्ड दिखा जो दिखा रहा है लिंक शेड अब 5 किलोमीटर है, और नीचे शायद वो वही गाँव है जो नीचे दिख रहा है। ये जो गाँव दिख रहा है सामने, ये शायद है लिंक शेड जो बहुत मेहनत मशक्कत के बाद आया है। पदम के रास्ते इस पीछे लोकेशन से आओगे देखोगे काफ़ी नैरो रास्ता है, तो आप कुछ ऐसी लोकेशन पहुंचोगे ये बोर्ड दिखेगा, नीचे की ओर लिंकशेड जाएगा और ऊपर की ओर जाएगा ले। सो आई वुड सजेस्ट अगर आप इस रूट से आ रहे हो ना, तो या तो आप ऑफलाइन मैप रखो या तो मत आओ, क्योंकि इस रूट पर आपको कोई नहीं दिखेगा और बहुत जगह से रास्ते कटे हुए हैं, आपको इट कुड बी आप दूसरे रास्ते पे जा सकते हो, और ऐसा एक जगह नहीं है कई जगहों पे, तो आप किसी भी एक जगह पे दूसरे रास्ते पे जा सकते हो। उससे अच्छा है कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आओ बिफोर कमिंग टू दिस रूट, है ना। देखो सामने कैसा ही नज़ारा है भाई, कोई नहीं दिख रहा यार, अभी मुझे वहाँ उतनी दूर पे एक बंदा दिख रहा है, बताइए कितने घंटों बाद दिखा है। सो पीछे नज़ारे देखो यार, ओप ऐसी किसी लोकेशन पर आ गए भाई साहब। अभी जाके थोड़ा टर्मैक रोड दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन यार बहुत ऑफ रोड है, बहुत ऑफ रोड है। पीछे बाइक खड़ी हुई है, देखो काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, स्नो अभी भी है यहाँ पे, काफ़ी स्नो है यहाँ पे। सो देखते हैं कैसा जाता है। अब टर्मैक रोड दिख रहा है अगर देखो तो पीछे थोड़ा, सो थोड़ा वेट करके जाएंगे आगे। देखो ये भाई सबसे ऊँचा पहाड़ मुझे दिख रहा है, ये वाला अभी हम खड़े हैं सिंगला पास पे, जो कि सिंगला टॉप से भी लगभग 200 मीटर ऊपर है, और इसका एलिवेशन ऑलमोस्ट 17,000 समथिंग फीट है। पीछे बोर्ड लगा है बट इतने स्टिकर लगे हैं कि हमें दिख ही नहीं रहा है, और गूगल चल नहीं रहा है, नेट चल नहीं रहा है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, और बहुत बहुत ऑफ रोडिंग करके आ रहे हैं हम लोग। भाई बताओ कुछ, एकदम हेलिश ऑफ रोडिंग था अभी तक ना, मतलब अभी तक हमने इतना ट्रिप किया हुआ है बट ये वाला बहुत ही गंदा था, मतलब बहुत गंदा ऑफ रोड है, मतलब मेरे
मेरे बाइक का तो नटवट भी गिर गया। दोनों लोग के बाइक का नट गिर चुका है, इतना ऑफ रोड है कि नटवट निकल के गिर जा रहा है भाई। फिर पता चल रहा है कि हाँ भाई गिर गया। सो मजा आ रहा है काफी अभी। सो वहाँ देखो एक फ्रोजन वाटरफॉल है भाई। जून का महीना चल रहा और अभी तक फ्रीज है। अभी हम निकल रहे हैं सिंगला पास से और अब नीचे शायद एक और पास पड़ेगा जिसका नाम है सिलसिला पास। ये देख रहो बर्फ की मोटी लेयर भाई। ये जून का महीना है, जून का, और जून भी आधा बीत चुका है। सो ये हमारा मेरे ख्याल से तीसरा पास था अभी तक का। पहला दोजिला, दूसरा पेंसिला और ये तीसरा सिंगला। अब आगे चौथा पड़ेगा जिसका नाम है सिलसिला पास। यार ये रास्ता मतलब ऑफ रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चलते ही जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। नज़ारे देख रहे हो, नज़ारे एक नंबर है, रास्ता माइनस एक नंबर है। ओ भाई देखो सामने पानी वानी लेके आ रहा है यार अकेला बंदा। जैसा कि आप देख सकते हो हम पहुंच गए हैं सिलसिला पास। इसका एलिवेशन हो गया सामने देखो भाई क्या ही हो रहा है वहाँ पे। हो सकता है वहाँ स्नो पड़ रही हो क्योंकि यहाँ पे रह रहे के छोटी छोटी स्नो फ्लेक्स टाइप की आ रही है मेरे ऊपर। और दो हम सिलसिला पास से 400-500 मीटर नीचे उतर गए हैं। इतना ऑफ रोड ना भाई साहब। और अब 4:30 बज गए एक्चुअली। वो भाई देखो ट्रक कहाँ चढ़ा के रखा है यार। सो फाइनली अब जाके थोड़ा सही रोड आया है। ओके सामने का व्यू देखो भाई। शायद किसी को मून लैंड बोलते हैं क्या, लमायरू को बोलते हैं, बट आई थिंक वी आर क्लोज टू लमायरू। आई थिंक सो। ओ भाई लग रहा है अब फाइनली टर्मैक रोड मिल गया अपने को। फाइनली